दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोल। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं दानियाल इकबाल। खबर नगर के आगाज पर रुख करेंगे अटक का, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और डेप्टी कमिश्नर की क्यादत में जिला भर में फ्लैग मार्च। डेप्टी कमिश्नर का कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद नदीम। डिस्ट्रिक्ट अटक पुलिस ऑफिसर सैयद खालिद अमदानी और DC अटक अली हनान कमर की क्यादत में अटक भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए ज़िला भर में फ्लैग मार्च किया गया। इस मौके पे तमाम दुकानों, मार्केटों और शॉपिंग हॉल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। DPO अटक और DC अटक का इस मौके पे कहना है कि हुकूमत की जानिब से बताए गए कोरोना SOPs पर अमर दरामद को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाएगा और किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजीद उनका कहना है कि जो कोरोना SOPs के खिलाफ जाएगा उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त अटक शहर के तमाम दुकानों, मार्केटों और शॉपिंग हॉल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कैमरामैन मलिक कामरान के साथ मोहम्मद नदीम, ANN न्यूज़ अटक। खबर शामिल करेंगे टंडू आदम से, जहां शहर के लेडी रीडिंग हस्पताल और मैटरनिटी होम की तामीर का काम कई वर्ष गुजर जाने के बावजूद ताखीर का शिकार। हस्पताल की ज़ेर तामीर इमारत जानवरों की आमाज का बन गई। मजीद तफसीलात जानेंगे अली थहीम की इस रिपोर्ट में। जी, टंडू आदम शहर के दरमियान वाक़ लेडीज हस्पताल, जो कि गुज़िश्ता कई सालों से नए सिरे से इसमें तामीर की जा रही है, मगर कई साल गुजरने के बावजूद इसकी तामीर का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। लेडीज़ अस्पताल, जहां पर मैटरनिटी होम भी शामिल है और यहां पर रोज़ाना सैकड़ों शहरी औरतें आकर इलाज मुआवजा कराती थीं और यहां औरतों की डिलीवरी भी हुआ करती थी, हस्पताल बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस अस्पताल के लिए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड दिए गए थे। इसके अलावा आयल एंड गैस डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर ज़िला सांगड़ की जानिब से भी अस्पताल की तामीर के लिए फ़ंड दिए गए थे। अब अस्पताल का काम नामुकम्मल होने की वजह से अभी ये खंडर बनी हुई है और यहाँ पर अक्सर जानवर जो है घूमते रहते हैं। इस मैटरनिटी होम हस्पताल के में इंसान तो इलाज मुआवजे से महरूम है, मगर यहाँ पर जानवरों की जो है डिलीवरियाँ हो रही हैं। एक गधे खोती ने बच्चे को जन्म दिया इसी अस्पताल में, उसका आप देख सकते हैं कि नौ मौलूद बच्चा और खोती जो है अपने बच्चे के साथ एक कमरे में मौजूद है। शहरियों की जानिब से सिंध हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि इस हस्पताल और मैटरनिटी होम को जल्द से जल्द तामीर मुकम्मल करके इसको फाल किया जाए। रुक करेंगे राजनपुर की तहसील जामपुर का, जहां थाना सदर की हदूद में एक ख्वाजा सरा ने साथी ख्वाजा सरा पर पेट्रोल से भरी बोतल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं गुलाम अब्बास की इस रिपोर्ट में। राजनपुर एक ख्वाजा सरा ने साथी ख्वाजा सरा पर पेट्रोल की बोतल छिड़क कर आग लगा दी। हालत तश्वीशनाक, जामपुर से मुल्तान रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजम या मुलजमा ख्वाजा सरा की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। राजनपुर की तहसील जामपुर सिटी प्लाजा में चौबारा पर रिहायश पजीर ख्वाजा सरा ने अपने ही साथी को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पेट्रोल से भरी बोतल छिड़क कर आग लगा दी। जामपुर पुलिस को इतला मिलते ही मौका पर पहुंच गई। ख्वाजा सरा की हालत तश्वीशनाक होने की वजह से
जामपुर से मुल्तान रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आग लगाने वाले ख्वाजा सरा की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। खबर शामिल करेंगे पसरूर से, जहां टाइगर फोर्स के जवानों की बड़ी कार्रवाई। टिम्बर मार्केट के यूटिलिटी स्टोर में चीनी माफिया बेनकाब। रिपोर्ट कर रहे हैं मुबशर मुनीर। टाइगर फोर्स के जवानों की बड़ी कार्रवाई। पसरूर टिम्बर मार्केट में यूटिलिटी स्टोर में चीनी माफिया को बेनकाब कर दिया। यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिम पीछे छोटे कमरे में चीनी शापरों से निकाल कर तोड़े में डालकर भारी कीमत में फरोख्त करने में मसरूफ थे। जब आवाम इनसे चीनी मांगती है तब कहते हैं चीनी ख़त्म हो गई है। टाइगर फोर्स के जवानों ने खबर एसी पसरूर तक पहुंचा दी और एसी पसरूर ने मुलजमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। रुक करेंगे मेलसी का, जहां थाना सदर की हदूद में जालिम जिम्मेदार ने गरीब किसान की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं मियां वजाहत। थाना सदर मेलसी की हदूद में मौजा खानपुर में गरीब किसान फने खां के रकबे पर जालिम जिमींदार मोहम्मद लुकमान ने नजायज ज़मीन पर कब्जा कर लिया और खड़ी फसल को ट्रैक्टर की मदद से उजाड़ दिया। गरीब किसान फने खां जब अपनी ज़मीन पर आया तो जालिम जिमींदार लुकमान और रॉ अब्दुल्ला के साथियों, जो असले और छोटे और डंडों से लैस थे, उन पर हमला कर दिया। जब इनके भाइयों और रिश्तेदार और अहले इलाके को पता चला तो वो छुड़ाने आए तो लुकमान और राव अब्दुल्ला ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। मेरे रिश्तेदारों और अहले इलाकों ने 15 पर कॉल की तो थाना सदर मेलसी की पुलिस के आते ही लुकमान और रॉ अब्दुल्ला साथियों समेत भाग गया। मेरा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से मुतालबा है कि मेरी ज़मीन से कब्ज़ा छुड़वाया जाए और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ मियाँ वजाद, ब्यूरो चीफ ANN मेलसी। खबर शामिल करते हैं सांगला हिल से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर का खस्ता हाल इमारतों और कोरोना के फैलाव पर एक्शन। पुरानी सब्जी मंडी को फैसल आबाद रोड पर मुंतकिल कर दिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जुल्फिकार अली सिंधु अपनी इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला समेरा मरीन ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए खस्ता हाल इमारतों और कोरोना फैलाव की वजह से पुरानी सब्जी मंडी को फैसलाबाद रोड पर वाकया न्यू सब्जी मंडी में मुंतकल कर दिया और आज असिस्टेंट कमिश्नर ने बाकायदा तौर पर फैसलाबाद रोड पर वाकया सब्जी व फ्रूट मंडी का आगाज़ कर दिया। आज न्यू सब्जी मंडी में बोली शुरू हो गई। आढ़तियों का कहना था कि पुरानी सब्जी मंडी में जगह कम थी और मामूली बारिश से मंडी में पानी जमा हो जाता था और कीचड़ और ढेर की वजह से बदबू और तफर फैलता था, जिसकी वजह से मंडी में आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना था। इसके अलावा दुकानदारों के सब्जी और फल भी बदबूदार हो जाते थे। आढ़तियों ने असिस्टेंट कमिश्नर के इस इकदाम को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सब्जी मंडी को वसी अरी जगह फैसलाबाद रोड पर मुंतकल कर दिया। रुक करेंगे बहावलपुर का, जहां मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाने के लिए प्रेस क्लब के सदर और अंजमन ताजान लाल सुहारा ने अपनी मदद आप के तहत पौधे लगाकर शुजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं राना मसूद साबिर। सरसब्जो शादाब बनाने के लिए बहावलपुर प्रेस क्लब, बहावलपुर सदर और अंजमन ताजरान लाल सुहानरा ने अपनी मदद आपके तहत लाल सुहानरा अड्डे पर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुहिम का आगाज़ लाल सुहानरा से किया गया, जहां पर जनरल सेक्रेटरी वकार महरवी, बहावलपुर प्रेस क्लब, बहावलपुर सदर के सीनियर नायब सदर आसिफ चौधरी, फिनांस सेक्रेटरी फरूक कम्बो और समाजी शख्सियत अब्दुलरहमान उर्फ चौधरी फूल ने अपने हाथों से पौधे लगाए और इस मुहिम के दौरान लाल सुहानरा से हासलपुर और बहावलपुर तक दुरिया सड़क के दरमियान खाली जगह पर पौधे लगाए जाएं। इन पौधों की हिफाजत और आबियारी की अंजमन ताजरान और सिविल सोसाइटी की आवाम खुद हिफाजत करेगी। समाजी तंजीमों ने बहावलपुर प्रेस क्लब, बहावलपुर सदर और अंजमन ताजरान की तरफ से शुरू की गई शजरकारी मुहिम को खुश आइंद करार देते हुए कहा मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाने के लिए हर शहरी को करदार अदा करना चाहिए।
खबर शामिल करते हैं साहिवाल की तहसील चीचावतनी से, जहां चार नामालूम कार सवार डाकू गन पॉइंट पर बकरे लूटकर फरार होने में कामयाब। रिपोर्ट कर रहे हैं महर शौकत जूता। जी बिल्कुल, साहिवाल चीचावतनी ईद कुर्बान करीब आते ही चीचावतनी के गिरदोनवा में चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया है। मैं आपको मजीद ये भी बता चलूँ कि वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की CCTV फुटेज ANN न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें वाजिया देखा जा सकता है कि चार डाकू सफ़ेद रंग की कार नंबरी LE 1598 पर सवार थे। कार सवार डाकुओं ने चौक ब्लॉक नंबर 2 का चक्कर लगाकर वारदात से पहले जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक 3 डाकुओं के पास असला था, जबकि 1 डाकू के हाथ में कटर था। चौक में बांधे हुए लोगों के कुर्बानी के बकरे लोगों की मौजूदगी में असला के ज़ोर पर कार में डालकर फरार हो गए। मुतासरीन ने DPO साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वाक़े की इतला मिलते ही थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी। जी रुक करेंगे गुजरात के इलाके कुंजा का, जहां के मुखैर हजरात का समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का रुझान। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मिर्जा अवैस बेग की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा के करीब आते ही गुजरात के मुहैर हजरात का गरीबों, मस्किनों और यतीमों में ईद गिफ्ट्स की तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया। कुंजा की मुमताज़ समाजी शख्सियत चौधरी शुएब अरशद तारड़ ने कुंजा के मुस्तिक अफराद के लिए डेरा तारणा कुंजा पर ईद गिफ्ट का एहतमाम किया। इस मौके पर उनके भाई चौधरी इमरान तारड़, चौधरी फैसल तारड़ भी मौजूद थे, जिसमें एक खसूसी बात का ख्याल रखा गया कि फ़ोटो सेशन से गुरेज किया गया ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। इस मौका पर चौधरी शुएब अरशद तारड़ के भाई फैसल तारड़ ने गुफ्तगू करते हुए मीडिया को बताया कि हम ईद उल अज़हा के इस मौका पर गरीबों, मस्किनों, यतीमों, बेवाओं का खसूसी ख्याल रखें और उनको भी अपनी ईद की खुशियों में शामिल करके ईद उल अज़हा की रौनक को दुबाला करें। उन्होंने कहा कि हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह ताला का दिया हुआ माल उनके बंदों पर खर्च कर रहे हैं और इस तरह माल कभी कम नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करने से माल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे नेक और भलाई के कामों में अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाता है। जबकि अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाए तो हमारी दुनिया और आखरत भी संवर जाएगी। मिर्ज़ा अवैस बेग, ANN न्यूज़, गुजरात। खबर नगर से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNST.TV, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्बुल ऐन है। इसी के साथ अपने मेज़बान दानियाल इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगेबान।